गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हम शुरू कर रहे हैं क्लास नंबर, यस वी आर स्टार्टिंग क्लास नंबर 58, वोकैबुलरी क्लास नंबर 58। समझते हैं, चलो फटाफट सीखना है और पूरे ध्यान से समझना है ना। ध्यान देने से ध्यान रहता है और इस ब्रेन को जो एक बार समझा दो उसको वो भूलता नहीं है। तो इसको ट्रेन करने के तरीके समझो कि ये कैसे पकड़ लेता है, इस ब्रेन को आदत हो जाती है चीज़ों की, है ना। देखो, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बहुत ही कॉमन और बहुत ज़्यादा यूज होने वाला फ्रेज, एडियम्स बोलने उसको। एट अ रैपिड पेस, लीप्स एंड बाउंड्स। देखो, लीप का मतलब होता है कूद कूद कर चलना, टू जंप। सो लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब हो रहा है कूद कूद कर, जंप करके चलना, मतलब बहुत तेज स्पीड से बढ़ना, तेजी से बढ़ना। ये देखो, इसका मीनिंग भी यहां आ गया। ये ग्राफ बता रहा है कि कोई चीज बहुत तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रही है, जैसे इंडिया इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। इंडिया कैसे कर रहा है प्रोग्रेस? बाय लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब बहुत तेज स्पीड से आगे बढ़ रहा है। यस, चलो, वेरी गुड। स्पीच देने के लिए खड़े हुए हैं, बिलो द मार्क। पर कई बार क्या होता है, हम जैसा सोचते हैं वैसे स्पीच नहीं दे पाते हैं, क्योंकि स्टेज फियर अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। ऐसे बैठकर बात करना और स्टेज पर जाकर खड़े होना और फिर कोई लेक्चर या स्पीच देना थोड़ा कठिन होता है ना। सो दैट इज द प्रॉब्लम। सो बिलो द मार्क हो गया मामला, समझते हैं। लेस देन द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, मतलब जैसा मान के चले थे कि ये बहुत अच्छी स्पीच देंगे, उससे थोड़ा लो स्टैंडर्ड रह गया मामला, थोड़ा बिलो रह गया, है ना, उस लेवल को टच नहीं कर पाया। मानक स्तर से कम होना, जो हमारा एक लेवल था उससे कम वाला मामला हो गया। वेरी गुड। हिज स्पीच वॉज बिलो द मार्क, इन्होंने जो स्पीच थी वो कैसी थी? बिलो द मार्क थी, स्तर से थोड़ी कम थी, उच्च स्तरीय नहीं थी, है ना, उस लेवल पर वो फिट नहीं हो पाई। अगला देख लेते हैं। पिक्चर से तो कुछ खास समझ आ नहीं रहा है कि किस बारे में बात होगी। बिटवीन यू एंड मी, अच्छा, दो ही लोग थे, कुछ आपसी बात थी, कोई सीक्रेट था, तो बोलना पड़ता है ना, इट शुड बी बिटवीन यू एंड मी। स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली, कैसे बात करना है? स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली, इट शुड बी बिटवीन यू एंड मी। राज रखना, किसी चीज को सीक्रेट बना के रखना, उजागर नहीं करना, इंग्लिश मीनिंग है स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली। हिंदी का सेंस कहता है राज रखना। हम सेंटेंस देखने, बिटवीन यू एंड मी ही इज अ थीफ और ही इज अ चीटर और ही इज अ गुड मैन और ही इज अ बैड मैन, व्हाटएवर। तो आप और मेरे बीच की बात है कि वो एक चोर है। बिटवीन यू एंड मी, आपके और हमारे बीच की बात है ना, कि वो क्या है? थीफ है। तो ये इसका सेंटेंस था बिटवीन यू एंड मी का। मोबाइल दिख रहा है यहां तो। बियॉन्ड क्वेश्चन, बियॉन्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन से परे है मामला। अनडाउटेडली, अनडाउटेडली मतलब निसंदेह, जिसमें कोई संदेह ही ना हो, जो निर्विरोध रूप से, निर्विवाद रूप से कैसा हो। शी इज बियॉन्ड क्वेश्चन द बेस्ट प्लेयर इन इंडिया विमेंस नेशनल क्रिकेट टीम। जो इंडिया की विमेंस नेशनल क्रिकेट टीम है उसमें वो बहुत सबसे बढ़िया प्लेयर, द बेस्ट प्लेयर है। वो कैसा मामला है? बियॉन्ड क्वेश्चन है कि इस पर कोई क्वेश्चन उठाया ही नहीं जा सकता। इट इज बियॉन्ड क्वेश्चन कि शी इज द बेस्ट और द परफेक्ट वन। अब ये क्या हो रहा है भाई? कॉल स्पैड अ स्पैड, ये कई सारी एग्जाम्स में भी आता है, बोलचाल में भी यूज होता है, राइटिंग के पर्पज से भी यूज होता है। कॉल स्पैड अ स्पैड, टू यूज प्लेन लैंग्वेज, सीधी भाषा में बात करना, जैसे को तैसा बोल देना, जो जैसा दिखे उसको वैसा बोल देना, दैट इज टू यूज प्लेन लैंग्वेज। समझते हैं?
जैसे को तैसा बोलना. ही हु कॉल्स अ स्पैड फेल्स टू विन इमीडिएट पॉपुलैरिटी. जो सीधी सीधी बात करता है उसको तुरंत पॉपुलैरिटी नहीं मिलती. लोग बोलते रहे बेकार आदमी है, मुंह पे बोल देता है कुछ भी, है ना. तो क्या करता है वो, कॉल स्पैड. स्पैड का मतलब है जैसे को तैसा बोल देना, जो देखे वो साफ साफ सच सच बोल देना. पर अब ऐसे लोग कम मिलते हैं जो कॉल स्पैड स्पैड वाले हों, जैसे को तैसा बोल देने वाले हों. चलिए ये पांच सेंटेंसेस जो आपने सीखे हैं इसको लिखिए, इसका मीनिंग लिखिए, इसका एक नया सेंटेंस बनाइए और फिर उसको यूज़ करने की कोशिश कीजिए अपनी लैंग्वेज में. बहुत जल्दी आपकी इस पर कमांड होने लगेगी, आपकी लैंग्वेज बहुत इम्प्रेसिव हो जाएगी. गुड नाइट, कल फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए गुड बाय, वी विल.